यार इधर आ जाओ बस, किधर यहाँ पे, ठीक है बस फिर छोटा क्या कर रहे हैं? हाँ ब्लॉग बन रहा है थोड़ा सा, ऐसे ले लो। कौन सा ग्रुप? 067। अरे हमारी भाई भाई कहाँ भाग गई? भाई वेलकम टू द सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और अभी तुमने क्लिप में देखा होगा यार, ये देखो मेरा पजामा पूरा पजामा जो है गीला हो गया है, क्योंकि यार अपन ने वहाँ पे थोड़ी सी वो करी थी, तो उस चक्कर में तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सूख जाएगी, और एक उसकी हेल्प हो जाएगी, उसके भी मतलब थोड़ी सी अपनी तरफ से छोटी सी हेल्प हो जाएगी, और भी बस यही था। और बाकी देख लो भी हम जा रहे हैं आगे, देख लो भाई दर्शन भी लग रहा है इसमें। ये है अभी अपने जो सामने दिख रहा है, ये है राम झूला, मोस्ट प्रोबेबली ये राम झूला ही है, लक्ष्मण झूला शायद ऊपर है, जानकी झूला उधर है, वो वाला उधर है, वो जानकी झूला के बाद हिडन वाटरफॉल है, लोगों को पता है हिडन, यार हिडन वाटरफॉल का तो बेरा नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, कोई नहीं ढूंढते हैं, रील बन जाएगी। ठीक है भाई चलते हैं, अगर आप कह रहे हो तो कोई बात। ये देखो ये ब्लैक हुआ आ गया ब्राउनी, हम यूँ ही घूम रहे थे, ये हमारे साथ साथ ही आ गया यूँ ही, पता नहीं क्यों आया है इसको, पता नहीं क्या वाइब्स आई हमारे अंदर, और एक गेल गेल आ गया तुम्हारे भाई, अभी गेल ही आ रहा है देखो। ठीक है बाय, दिखाना अंकल माला, बताओ यार कैसे लग कैसी एक चैन और दो ये 50 का ये ग्रीन कलर से घर में लगाते हैं, इसको बड़ा है देखो ये इसको सब सो है, ब्लैक ले लो भाई साहब, ऐसे ठीक है, लोडे को ले जाते हैं थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऐसे ठीक है बढ़िया ले ले क्या और कंटेंट कुछ मिल जाएगा। ठीक है वाली सा ऐसे करके लगा ले तो थोड़ी बस कोई खींचे ना वो ठीक है यार। अभी तुम्हारे भाई ने ले लिए एक रुद्राक्ष की माला, पता नहीं असली है नकली है, बट अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको डबल करके पहन लिया, बताओ यार कमेंट करके कैसी लग रही है, बुरी कैसी लग रही है, बढ़िया आप भी कमेंट करके बता दो, और चीज देखते क्या लेते हैं वो बैग तो लिया, बैग क्राउडेड है, हाँ भी ठीक है मैं अंकित बयानपुरी कहाँ से आ गया इधर, हाँ है ना करे अंकित बयानपुरी राम झूला, देख लो भाई राम झूला देख लो एक बार भाई, हिल रहा है तो पूरा पूरा हिल रहा है एकदम, एक ये देखो ऊपर देखो आटा वाला का बुला मुझे तो नहीं कुछ रहा है इसमें जड़े भाई लाइट पूरी हो गया अंदर सर अंदर, हां हां हो गया अगर ये दिक्कत बना है तो तू निकाली है आप कहां से निकल जाएगा एक आना चले बता कहाँ चले, इधर चले या उधर चले, कहाँ दोनों साइड है, जहाँ तू बोलेगा वहाँ ले चल, बता ऐसी दोनों साइड कहाँ है देख कहाँ है खाली ऐसी है, चल भाई चले चल भाई, ये इधर ही बैठे ऊपर क्या, चल भाई
खराब होएगा मेरे को लग रहा है इनका सिस्टम। तो भाई भाई को लग रही थी भूख, ये लिया है रेस्टोरेंट अभी। तो भाई यहाँ कॉन्टैक्ट लेस कार्ड मैं नहीं देखा मेरे गाने आ जाएगा इसमें। ले भाई ऐसे शॉट ले लियो बस, मैं जाते हूँ सा गेल खड़ा भाई। अभी बहुत फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट से खाना खा के आ चुके हैं लवगुरु भाई, पता रिव्यू दे बढ़िया। हमें तो अच्छा लगा, हमने थाली नहीं ऑर्डर करी, वो मंगाया था अलग अलग चूर चूना और दाल मखनी, ये सब दाल मखनी बहुत स्वाद है भाई, सही थी मतलब ठीक थी, अच्छी थी मेरे को भी। अभी हम जा रहे बीटल्स समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, थैंक यू। भाई समुद्र सीन, समुद्र मंथन का सीन इतना मस्त बना रखा है ना, बहुत बढ़िया। अभी G20 के डेलीगेट्स आए थे और उसके लिए बहुत अच्छे से सजावट कर रखी थी, वही सजावट हमें भी देखने को मिल रही है भाई। यहाँ फ्लो देखो गंगा का कितना है, इधर से देखिए इधर से आवाज़ देख कैसी आ रही है। तेरा कौन है, है? तेरा भी है पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही है भाई, मेरे को नहीं पता, इतना चल के आना पड़ेगा बीटल्स के लिए। बेटा हो गए भाई फिर हो गए, अब इतना वापस चल के भी जाना, वो बंजी जंपिंग के लिए गया कौन भाई तेरा, हाँ बढ़िया भाई बंजी जंपिंग करने गया, वो राफ्टिंग तो होगी उनकी, होगी हाँ। आ गया फोन, हाँ तो कह रहा बंजी जंपिंग के लिए जा रहा हूँ, या हो सकता है राफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बंजी जंपिंग के लिए गया हो। चल यार अभी चलते हैं बीटल्स आश्रम, देखते हैं वहाँ पे क्या है। लास्ट टाइम आया था मैं बंद हो गया था, देखते हैं क्या। जल्दी से हमें पहुँचना है राम झूला, राम झूला तो नहीं जानकी झूला, क्योंकि अभी अपने साथ कुछ हो गया है, सीन हो गया है, मतलब सीन तो क्या हो गया, मेरे भाई के साथ जाना है मेरे को बंजी जंपिंग के लिए, मतलब मैं तो नहीं करूँगा, मेरे बैक में प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के आना है, उसकी फुटेजेस वगैरह ये सब लेनी है। तो भाई हमने भी 200 रुपये की टिकट ली थी, वो बिल्कुल ही पैसा बर्बाद और बस गेट में जाके वापस ही आ गए हम तो। दो क्लिप रिकॉर्ड करी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, तूने किया थोड़ा सा रिकॉर्ड बीटल्स आश्रम का, बिल्कुल ही बीटल्स के नाम पे कुछ भी चेप रहे हैं भाई। फॉरनर्स का, भाई फॉरनर्स का 1200 रुपये है, इंडियंस का 200 रुपये, फॉरनर्स का 1200 रुपये, सीनियर सिटीजन 100, आप 18 साल के नीचे हो स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हो तो 100 रुपये, 50 आई डी के साथ। डीएल ले लिया तुमने अपना? हाँ ले लिया ना डीएल, हाँ दे दिया। चल ठीक है भाई वो जल्दी, अरे जल्दी से बस बस अभी चलते हैं यार। यार उसका बंजी जंपिंग का हो गया, कह रहा मैं दे चुका हूँ पैसे भाई, अभी नहीं भाई हमें जा रहे भाई छोड़ने हमें राम जानकी झूला पार करना है, बस इतनी सी दूर जा रहे हैं अभी भी, हमें जल्दी है, हम अभी 400 रुपये अपने चुकवा के आ रहे हैं, अंदर भी नहीं गए थे हम, और वहीं से हमें वापस आना पड़ गया, इमरजेंसी हो गई है थोड़ी सी, देख लो यार ट्रिप में क्या क्या होता है सारा, हमें सोचा थोड़ा बच जाएगा पैसा, नुकसान और हो गया तो बस यार ऐसा ही चलता रहता है, नुकसान तो चल हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से कवर, बट जो मूवमेंट हमने कैप्चर करने अभी जहाँ जा रहे हैं वो तो नहीं होंगे ना,
तो बस यार अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन हुआ है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पहुँचना जरूरी है। GoPro है मेरे पास बोलते। हाँ मैंने बोल दिया मेरे भाई के पास तो GoPro है, और कहता है लेकिन वो शॉट्स लेते हैं, ड्रोन से भी लेते हैं, कोई उससे भी लेते हैं। किससे? ड्रोन वगैरह से कह रहा था। अब ये नहीं बताना वो पैसे लेना कितने। भाई इस बंदे की वजह से हमारे 500 रुपए ये रहा बसा, देख लो 500 रुपए डूबे हमारे अभी के अभी। इंडिया में वैसे पता नहीं कितनी जगह होती है, बट एक ऋषिकेश में होती है बंजी जंपिंग, वहाँ जा रहे हैं अभी हम। मैं तो नहीं करूँगा पर भाई करेगा ये वाला। अरे देख तो लिया कितनी बार दिखाएगा शक्ल अपनी, इसी की वजह से भाई हमारे पैसे डूब गए। चलो कोई बात नहीं, पैसे लग गए कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस आ जाएंगे, उसका कोई वो नहीं है। बट जो मोमेंट हमने कैप्चर करना है वो नहीं आएगा ना, ये हमारे पास शाम तक का टाइम है। वन डे ट्रिप में भाई क्या 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 करेंगे हम, वन डे ट्रिप में जो जो हो सकता है बस वही चीज़ें कर रहे हैं आराम से। भाई यहाँ ट्रैफिक इतना है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। करने कुछ थोड़ा सा, ओ भाई देखो वहाँ चल रही है पूरी, कहाँ है? अरे पंडित जी इधर जाना, पंडित जी आ जाए। कैसा लग रहा है? पता नहीं दो जंप में होएगा कि नहीं होएगा। अरे हो जाएगा, कोशिश करेंगे। पहले पैराग्लाइडिंग वो नहीं करी तुमने? हाँ पैराग्लाइडिंग करी थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है, देखते भाई हो तो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार आप करेंगे, आप पर्सनल आएंगे जब तब करेंगे। चल मैं जा रहा भाई, मेरे को कैफेटेरिया में वेट करना है क्योंकि आप वहीं से देख सकेंगे, देखते हैं कैसे आता है।